सेक्स टाइम बढ़ाने की 11 टिप्स, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हमारा अकोला में हॉस्पिटल है जहां हम पेशेंट्स को, मानसिक रुग्णों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं, जो हिंसक है, मारपीट करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, घर में रखना जिनको मुश्किल है, रिश्तेदार उनके साथ में रह नहीं सकते हैं हॉस्पिटल में, शराबी लोग हैं उनको, मंदबुद्धि के हैं, प्रौढ़ नागरिक है जिनको घर में रखना मुश्किल है मेंटल कारण की वजह से, तो वो सब पेशेंट को बिना रिश्तेदार भर्ती करते उनका इलाज करते हैं। हमारे एसआरओं के साथ में भी पेशेंट लोगों को भर्ती करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन जब हम करते हैं तो काफ़ी लोगों के सवाल आते रहते हैं, सेक्स टाइम बढ़ाना है, सेक्स पावर बढ़ाना है, बेड में ज़्यादा समय तक टिकना चाहिए ऐसा लगता है उनको, या पत्नी को संतुष्ट करना है, तो इसके लिए क्या करें। जब हम ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, उनको हम टिप्स देते हैं, इलाज करते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ रह के इलाज करते हैं पति पत्नी, तो अभी मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप अपने घर में रह के ये इलाज कर सकते हैं। टिप नंबर एक, हम उसको देते हैं बिहेवियर थेरेपी जिसमें स्टॉप स्क्वीज एंड स्टार्ट टेक्निक है, इसको मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक बोलते हैं। कि मैं ऑनलाइन या वीडियो कॉल पे उनको सिखाता हूँ, काउंसिल करता हूँ। हमारे सेक्स सेमिनार में भी इसका इस्तेमाल करके हम लोगों को गाइडेंस करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो सेक्स काउंसिलिंग सेमिनार में सिखाते हैं, 1-to-1 सिखाते हैं, जब ऑनलाइन कंसल्टेशन है तब सिखाते हैं स्टॉप स्क्वीज एंड स्टार्ट टेक्निक। टिप नंबर दो है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज ऐसी है कि हम जब गैस पास करते हैं तो गैस रोकते हैं तो वो मसल्स, और पेशाब रोकते हैं वो मसल्स, यदि हम कॉन्टैक्ट करते हैं उसको आकुंचित करते हैं, रोक देते हैं उनको, तो वो जो मसल्स है वो मसल्स की एक्सरसाइज। तो वो मसल की एक्सरसाइज मतलब उनको अकड़ के लेना अंदर, छोड़ना लेना छोड़ना, ऐसा दिन भर 30 बार करना, कीगल्स एक्सरसाइज है टिप नंबर दो, ये करते तो फायदा होता है। टिप नंबर तीन, सेरोटोनिन लेवल्स हाई करने की जो दवाइयां हैं वो दवाई से फायदा होता है, जिसमें फ्लॉक्सिटिन डेपॉक्सिटिन ऐसी दवाइयां लेते हैं तो उससे फायदा हो सकता है। टिप नंबर चार, जब आप सेक्स कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, अभी वहां से वापस नहीं आ सकते, वो पॉइंट आने के पहले यदि उल्टी गिनती करते हैं 100 से 99, 98 ऐसी उल्टी उल्टी गिनती करना, या दिमाग में टेंशन के विचार आते हैं, कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई उल्टे पुल्टे विचार लाते हैं, तो उससे भी सेक्स टाइम बढ़ जाता है। टिप नंबर पाँच, शिलाजीत जैसी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, अश्वगंधा शिलाजीत, उसमें फायदा होता है लोगों को, तो कुछ उसमें दिमाग शांत हो जाता है वो दवाइयों से, वो दवाई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टिप नंबर छः, कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि सर्कमसीजन करने से टाइम बढ़ता है, ऐसी कुछ स्टडीज है। सर्कमसीजन मतलब सुनता करना, खतना करना, सामने की जो स्किन है ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है और वो कट कर दिया तो उससे टाइम बढ़ सकता है। टिप नंबर सेवन, यदि आप टाडालाफिल जैसी दवाइयाँ डेपॉक्सिटिन के साथ में या फ्लॉक्सिटिन के साथ में, वो मार्केट में उपलब्ध है और वो कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो उससे फायदा होता है। टिप नंबर आठ, ऐसे कुछ कंडोम है कि जो कंडोम का इस्तेमाल करके हम हमारा समय बढ़ा सकते हैं, सेक्स टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें एनिस्थेटाइज किया रहता है कंडोम को, या उसमें एनिस्थेटिक जेल डाली रहती है, तो उससे फायदा होता है। टिप नंबर नौ, पेनिस को, लिंग को स्प्रे लगाना, स्प्रे मारना या ऑइंटमेंट लगाना, जिसमें पेनिस का जो पूरा सेंसेशन है वो निकल जाता है, नम हो जाता है, और उसमें स्प्रे या ऑइंटमेंट लगा के फायदा होता है। टिप नंबर 10, लेजर थेरेपी। कुछ स्टडीज ऐसे है कि लेजर थेरेपी करते हैं जिसमें सेंसेशन कम करते हैं लिंग का, और सेंसेशन कम करके लोगों को फायदा होता है। टिप नंबर 11, मेडिटेशन या हिप्नोथेरेपी करना, और उसमें ब्रेन को शांत करना, रिलैक्स करना, और उससे फायदा होता है। देखिए, तो 11 टिप तो मैंने बता दिए, मगर अभी इसमें ये देखना है कि भाई संतुष्टि है कि नहीं है। संतुष्टि नहीं है तो फिर फायदा क्या है? तो आप 10 मिनट भी करें मगर संतुष्टि नहीं है तो फायदा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली 4 से 6 मिनट का टाइम रहता है, नॉर्मल लोगों का 4 से 6 मिनट टाइम रहता है। दो, अभी तक ऐसा था कि 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, अभी जो क्राइटेरिया है वो 1 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, मगर मेरा क्राइटेरिया है कि दोनों संतुष्ट होना चाहिए। दोनों संतुष्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें सेक्स करने में एक्चुअली फायदा है। पॉर्न देख के या ब्लू फिल्म देख के या कोई पिक्चर मूवी देख के यदि आप कंपेयर करते हो, क्योंकि उसमें लिंग की लंबाई भी बहुत रहती है, टाइम भी आधा आधा 1-1 घंटा चलता है, तो कंपेयर करके आप दुखी होंगे, वो एक्टिंग है, वो आर्टिफिशियल है,
वो दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, कंडोम्स वापरते हैं, आर्टिफिशियल पेनिस लगाते हैं और उसे वो सब किया जाता है, वो अननेचुरल है, उसके ऊपर विश्वास मत करो। आपको ये देखना है कि आप संतुष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, आपको समाधान शांति मिल रही कि नहीं मिल रही, और आपके पार्टनर को शांति समाधान मिल रही कि नहीं रही। अर्ली डिस्चार्ज होके एकदम लिंगा यूनियन प्रवेश होने के बाद में तुरंत डिस्चार्ज हो रहा है तो जरूर इलाज करना चाहिए ही चाहिए। आपको ऐसा कुछ रहा तो जरूर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और हमें कंसल्ट करके आपका इलाज कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। हमारा दूसरा एक चैनल है सेक्स सॉल्यूशंस नाम का, वो सेपरेट चैनल है, उसके ऊपर सेक्स की वीडियो है, वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।